ओलावृष्टि से अन्नदाता की आंख में आए आंसू, विधायक राणा, कलेक्टर वानखेड़े होली का त्योहार छोड़ खेतों में फसलों का हाल जानने पहुंचे। सोमवार की शाम तेज बरसात के कारण ओलावृष्टि से क्षेत्र के किसानों की खेतों में खड़ी गेहूं, चना, रायड़ा, धनिया एवं संतरे की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। अन्नदाता अपनी खड़ी फसल को आसमान में हुई आफत की बारिश ओलावृष्टि से आड़ी पड़ी देख अपनी आंख में आंसू आने से नहीं रोक पाए तो क्षेत्रीय विधायक राणा विक्रम सिंह एवं कलेक्टर कैलाश वानखेड़े उनके आंखों के आंसू पहुंचने एवं बर्बाद हुई फसलों का हाल जानने किसानों के खेतों में मंगलवार की प्रातः 11 बजे होली का त्योहार होने के बावजूद राजस्व, कृषि, उद्यानिकी अमले के साथ पहुंचे और ग्राम परसुलिया, अंतरालिया, मोड़ीजाक एवं अमरकोट, पटपड़ा आदि गांवों में किसानों के पानी भरे खेतों में अंदर पहुंचकर सर्वे किया। विधायक राणा ने किसानों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा, शिवराज सिंह चौहान की सरकार और मैं आपके साथ इस मुसीबत में खड़े हैं। वही कलेक्टर वानखेड़े ने कहा कि जहां जहां भी ओलावृष्टि से नुकसान हुआ है वहां का उचित सर्वे करवाकर मुआवजे के प्रकरण बनाकर RBC गाइडलाइन के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। वही ग्राम मोड़ी, जाक, गैलाना, गुंदलावदा, गणेशपुरा, मगिसपुर, गागोरनी, खेड़ा, परमार का खेड़ा, भवानीपुरा, पटपड़ा, श्यामपुरा आदि सहित अनेक गांवों में सोमवार को हुई ओलावृष्टि से किसानों की गेहूं, चना, संतरे, मसूर, रायड़े एवं धनिया की खड़ी एवं कटी हुई फसलों को काफी अधिक नुकसान पहुंचा है। ऐसे में अन्नदाता शासन प्रशासन की ओर से आर्थिक नुकसान की भरपाई की राह तक रहे हैं। जिले में जहां भी ओलावृष्टि हुई है और बारिश हुई है, बारिश के और ओलावृष्टि के कारण जहां फसलों को नुकसान होगा, शासन के जो निर्देश है उन निर्देशों के अधीन रहते हुए सर्वे किया जाएगा और सर्वे के उपरांत उसके नुकसान के अनुपात के आधार पर संबंधित कृषक को मुआवजा निर्धारित किया जाएगा। बातें कि तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि वो पटवारी और RI को गांव में भेजे, देखे और नुकसान का आकलन कर ले। मैडम का अच्छा काम, क्या नाम है मैडम? कल्पना कुलमी। कल्पना, बहुत अच्छा काम है तुम्हारा और तुम्हारी अच्छी तारीफ कर रहे हैं गांव वाले। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग जो है अच्छे एक्टिव हो और काम कर रहे हो। ID वगैरह ने जो वोटर ID ना आधार कार्ड उसी हिसाब से चल रहा था। अच्छा, मतलब कहीं से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। अभी मैंने जो है लोक सेवा गारंटी केंद्र बंद कर दिए 2 दिन। जैसे कि हमने एक महीने पहले जो आईडी में थोड़ी बहुत नाम में मिस्टेक थी ना, वो पहले आवेदन लेके सुधार कर दिया। अब तो डायरेक्ट फार्म भरना और कंप्लीट करके दे दूंगा। ये हमारे जिले का नवाचार था जो मैंने नवंबर से शुरू किया था कि समग्र आईडी में जो त्रुटि है वो सुधार कर किया जाए। तो हमने और यहाँ सबसे अच्छा काम सुसनेर में हुआ और ये जो परेशानी आने वाली थी वो सारी परेशानी हम लोग पिछले 2 महीने में दूर कर चुके हैं। जिले में कम से कम 27,000 समग्र आईडी हमारे जो है सुधर गए।